हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हम बात करेंगे एमपीएस इंफोटेक्निक्स लिमिटेड शेयर की, जिसको विशेष इंफोटेक्निक्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज इसमें लग गया है अपर सर्किट। जी हाँ दोस्तों, आज इस शेयर के अंदर सुबह से ही, मॉर्निंग में ही जब ये ओपन हुआ था, तो वो ये ओपन हुआ था अपर सर्किट में और क्लोजिंग में इसकी अपर सर्किट में हुई। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि अपनी पिछले वीडियो में कि ये शेयर 80 पैसे, जी हाँ दोस्तों, 80 पैसे से नीचे नहीं जाएगा, और जिसको भी इसमें बाय करना है तो 80 पैसे पे इसको बाय कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इसका जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको मिलती है सटीक जानकारी किसी भी शेयर की। तो चाहे वो सलमान प्रोडक्शन शेयर हो, या विशेष इंफोटेक्निक्स हो, या दोस्तों इंडो सोलर लिमिटेड शेयर हो, या लक्ष्मी फैब्रिक हो, या दोस्तों धानी सर्विस हो, या कोई भी शेयर हो, दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसका टारगेट वहाँ तक अचीव हुआ है और उसका सपोर्ट लेवल वहाँ तक गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एमपीएस इंफोटेक्निक्स की, इसका जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 80 पैसे का, और जिसको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो 80 पैसे पे, जी हाँ दोस्तों, 80 पैसे पे थोड़ी क्वांटिटी बाई कर सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इसको बाई कर रखा है 80 पैसे पे, अब जानेंगे कि इसका जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक रहेगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो स्ट्रॉन्ग, ये जो अभी अपर सर्किट लगा है, ये स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट नहीं है दोस्तों, ये कभी भी टूट सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, अभी आप इस पर ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि जो इसका जो टारगेट बनेगा वो शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपको एग्जिट होना है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन लोगों ने इसको 80 पैसे पे, यानी कि आज भी कल भी बाय किया होगा या परसों बाय किया होगा, यानी कि 80 पैसे के आसपास इसको बाय किया होगा, तो दोस्तों ये जो टारगेट जाएगा वो जाएगा 1 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके अंदर 20 पैसे की प्रॉफिट होगी, तो दोस्तों वहाँ तक ये शेयर जा सकता है। बट दोस्तों, आप उसके आगे ही ना सोचें, अगर आपको 20 पैसे इसके अंदर मिल रहे हैं तो वहाँ पर आप एग्जिट हो जाएँ, क्योंकि फ्रेंड्स अभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं चल रही। जी हाँ दोस्तों, अभी इसके अंदर ह्यूज जो वॉल्यूम होती है बाइंग की, वो अभी कम देखने को मिल रही है। जब इसके अंदर ह्यूज बाइंग देखेंगे, तब इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, तब दोस्तों आप इसके अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं। बट दोस्तों, फिलहाल जो मैंने आपको टारगेट दे रखा है 1 रुपये का, आप वहाँ तक जा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और बोलूँगा कि जो आप इसमें फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं, तो दोस्तों अभी आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ना लें। जिन्होंने इसको 80 पैसे पे बाय किया होगा उनके लिए वो सही समय था, बट दोस्तों जो अब इसको हाई प्राइस पे बाय करेंगे तो दोस्तों उनके लिए वो नुकसान दे सकता है, यानी कि वो लॉस में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि इसको आप हाई प्राइस पे बाय ना करें। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये शेयर आगे बढ़ता रहेगा और इसके अंदर हम वॉल्यूम चेक करते रहेंगे, और जब हमें लगेगा इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो दोस्तों इसका टारगेट हम और आगे ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए हमने जो इसका टारगेट रखा है वो है 1 रुपये का। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा प्रॉफिट में रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।